लेसन प्लान को लिखने के क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने आपके सामने मॉडल रिसाइटेशन, सेकंड मॉडल रिसाइटेशन और इमिटेशन रिसाइटेशन की बात कर दी थी कि उसे किस प्रकार चार कॉलम में विभाजित करके लिखना है और उसके आगे की प्रक्रिया हम कैसे करेंगे, यानी डायरी में लिखने का काम कैसे करना है, वो हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। जिस भी पृष्ठ से हम यानी नया पेज जब लेंगे हम, तो उस नए पेज पर वापस से हमें इस तरह से चार कॉलम बनाने होंगे, यानी वापस ये लिखना होगा टीचिंग पॉइंट्स, पीपल टीचर्स एक्टिविटीज, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, ब्लैक बोर्ड वर्क। यहाँ पर वही पंक्तियाँ जो कविता से संबंधित हैं उनको लिखना होता है, क्योंकि यहाँ पर टीचिंग पॉइंट्स उस कविता से संबंधित पंक्तियाँ ही हैं जो पहले हम आपको बता चुके हैं। राइट पोएम्स लाइन स्टार्ट टू लास्ट फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई कंसीडर फिर डैश करके वेट वेट। फिर यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, यानी जो ग्रामेटिकल पार्ट कविता के अंतर्गत आता है उसके उच्चारण को समझाने के लिए और कठिनाई को दूर करने के लिए ये सारी पंक्तियाँ लिखी जाती हैं जो छात्र अध्यापक द्वारा की जाती है। द प्रिपेयर्ड टीचर विल प्रोनाउंस द डिफिकल्ट वर्ड्स विद देयर मीनिंग बाय पॉइंटिंग ऑन रोलर बोर्ड टू मेक इट इजी फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द पोएम। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो ये हार्ड वर्ड दिए हुए हैं, इन हार्ड वर्ड को ये रोलर बोर्ड है उसके ऊपर लिखकर घर से लेकर आना होता है जब हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। प्रैक्टिकल के दौरान आपको कॉलेज की तरफ से एक काला सफ़ेद या और किसी भी तरीके का हो सकता है, पर ज़्यादातर प्रचलन में काला और सफ़ेद ही देखने में आया है, अगर हरा भी मिलता हो तो पता नहीं। ऐसे उस रोलर बोर्ड के ऊपर हमें चौक गीला करके और इस तरह से हमें ये जितने भी शब्द जो जिनकी संख्या लगभग 8 से 10 होनी चाहिए उनको शब्दों को और उनके अर्थ को अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखना होता है। जैसा यहाँ पर बताया हुआ है कि पॉइंटिंग मीनिंग बाय पॉइंटिंग, तो रोलर बोर्ड को हम अगर हम सीधे हाथ से लिखते हैं तो फिर हमें लेफ्ट हैंड साइड बोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड उसको टांगना होता है, और अगर उल्टे हाथ से लिखते हैं तो हमें बोर्ड के राइट साइड उस रोलर बोर्ड को टांगने की व्यवस्था करनी होती है, या तो पहले से कुटी लगाओ, नहीं टेम्परेरी कुटी आती है उसको चिपका कर हम उसको जब इसकी आवश्यकता होती है तभी ये कार्य करना होता है, सजावट की तरह पहले से उसको लगाया नहीं जाता। अतः इनको इसलिए समझाया जाता है क्योंकि हमें उनसे कविता की पंक्तियाँ हम जो अगर किताब से रिलेटेड हैं तो डिस्ट्रीब्यूट करने की आवश्यकता ही नहीं है, और किताब से रिलेटेड नहीं है तो वो पेपर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर इसको दिखाते समय जैसे लिखने का तरीका है वो यहाँ पर बताया गया है। एक्सपोजिशन वर्ड द पेपर टीचर विल प्रोनाउंस डिफिकल्ट वर्ड, तो जो ये शब्द संख्या यहाँ पर अभी बताई गई 1 से 8 या 10 तक तो होना अनिवार्य है, क्योंकि एक कविता कम से कम 2-3 स्टेंजा में तो होती है, बड़ी से बड़ी 5 स्टेंजा में होती है, तो इसलिए इतने शब्द तो अनिवार्य है, लेकिन हम 5 स्ट्रेंजा वाली पोएम एक साथ नहीं ले पाते, लेकिन 3 स्ट्रेंजा तो होने चाहिए और 3 स्ट्रेंजा में से कम 10 शब्द तो हो ही सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर क्या करना है कि बच्चे क्या करेंगे जब आप ये रोलर बोर्ड पर पॉइंटिंग करते हुए दिखाएंगे, तो टीचर उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप अपनी बुक खोलें और उसमें उतारें, ये प्रक्रिया साथ साथ होनी चाहिए। तो यहाँ पर है स्टूडेंट्स विल नोट डाउन द डिफिकल्ट वर्ड्स इन देयर नोटबुक्स, यानी यहाँ पर वो जब तक इसको टांक रहा है तब तक वो ध्यान से देख रहे हैं, और उस देखने के दौरान उनको कॉपी निकालने का आदेश दे दिया जाता है, और जब ये पॉइंटिंग करके ये शब्द बोले जा रहे हैं, मीनिंग बताया जा रहा है, उस समय वो
इस कार्य को अपनी नोटबुक में उतार रहे होते हैं। ये सारी प्रक्रिया यानी ब्लैकबोर्ड पर ये टाइटल लिखा हुआ है, अतः आपको डायरी में भी इस कॉलम के अंतर्गत जहाँ पर इसका संबंध है वहाँ पर टाइटल लिखना होगा। इसके लिए आप आगे कैसे लिखेंगे हम अगले वीडियो में देखेंगे।